क्रांति उड़ीसा में पेश हैं अभी तक की खबरें। कोरोना देश में 24 घंटे में 24,845 नए मरीज मिले। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 15,817 केस आए, फिर केरल, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश में। बंगाल में दीदी वापस मैदान में, ममता को अस्पताल से छुट्टी मिली। बाहर निकलकर हाथ जोड़े, अब व्हीलचेयर पर ही करेंगी चुनाव प्रचार। वेस्टर्न डिस्टरबेंस से मौसम बदला, गुड़गांव में बिजली गिरने से पेड़ के नीचे खड़े 4 लोग झुलसे। हिमाचल और कश्मीर में बर्फ गिरी, एमपी में भी बारिश। हरियाणा की राजनीति की इनसाइड स्टोरी, अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करना दुष्यंत की मजबूरी रही, क्योंकि उन्हें जेल में बंद अपने पिता अजय चौटाला के हितों की रक्षा करनी है। मोदी ने की नेहरू की तारीफ, आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में मोदी बोले, नेहरू और पटेल जैसे जननायक आजादी के आंदोलन के पथ प्रदर्शक रहे। दीदी को जेएमएम का समर्थन, पश्चिम बंगाल में हेमंत सोरेन की पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, बीजेपी विरोधी वोट बंटने से रोकने के लिए फैसला। क्वाड के एजेंडे में वैक्सीन, निशाने पर चीन, वैक्सीन बनाने के लिए चारों देश अपने संसाधन साझा करेंगे। मोदी ने कहा, हमारा विजन वसुदेव कुटुंबकम का है। कोरोना दुनिया में ब्राजील दूसरा सबसे संक्रमित देश बना, अब भारत तीसरे नंबर पर। दुनिया में करीब 12 करोड़ लोग इस बीमारी के चपेट में आ चुके हैं। जॉर्ज फ्लॉयड केस में समझौता, फ्लॉयड के परिवार को मिलेंगे 196 करोड़ रुपए। मिनेपोलिस का काउंसिल ने समझौता को मंजूरी दी। अमेरिका में कोरोना का एक साल, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, कोरोना वायरस की वजह से अमेरिकियों ने कुछ खोया, पहले और दूसरे विश्व युद्ध से ज्यादा मौतें हुई। मिस्र में कपड़ा फैक्ट्री में आग, 20 लोगों की मौत, 24 घायल। राजधानी काहिरा के पास ओबोर में हुआ हादसा, आग बुझाने में 15 गाड़ियां जल लगी। सैन्य शासन का बर्बर चेहरा उजागर, म्यांमार से भागकर भारत आए पुलिस अफसर बोले, जवानों से कहा गया तब तक गोलियां दागो जब तक प्रदर्शनकारी मौत न हो जाए। महिला महाशक्ति, बाइडेन ने मिलिट्री कमांड्स प्रमुख के लिए 2 महिलाओं के नाम सीनेट को भेजे। भारत की इस साल T20 में पहली हार, इंग्लैंड ने 15.3 ओवर में 8 विकेट से हराया। टीम इंडिया की 12 T20 के बाद घर में पहली शिकस्त। विराट सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने वाले भारतीय कप्तान, सौरभ गांगुली का रिकॉर्ड तोड़ा। टीम इंडिया ने T20 में दूसरी सबसे बड़ी हार की बराबरी की। गर्ल फ्रेंड के सेक्सुअल असॉल्ट का मामला, कोर्ट से स्लम डॉग मिलेनियर फेम मधुर मित्तल को राहत। 26 मार्च तक एक्टर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई। बॉलीवुड में लौटा कोरोना, मनोज बाजपेयी की कोविड पॉजिटिव होने से रुकी फिल्म की शूटिंग। संक्रमित तारक मेहता फेम मयूर वाकाणी अस्पताल में भर्ती।